गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल. सो स्टूडेंट्स, टूडेज टॉपिक इज ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल. सो इन दिस टॉपिक वी विल फर्स्ट स्टडी द ग्रेडियंट एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी डाइवर्जेंस एंड इन लास्ट वी विल स्टडी द कर्ल. सो फर्स्ट डेफिनेशन इज द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डिनोटेड बाई डेल. सो द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डिनोटेड बाई डेल इज डिफाइंड एज डेल इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस यूनिट वेक्टर जे इंटू डेल बाई डेल वाई प्लस यूनिट वेक्टर के इंटू डेल बाई डेल जेड. और वी कैन राइट इट एज दिस वे ऑल्सो. So next is the gradient. So the gradient of a scalar point function denoted by phi is defined as del into phi. This is the dot product, del into phi, and is written as grad phi, or we can say it as the gradient of phi. So grad phi is equal to del phi, which is equal to, so yahan pe humne kya kiya, del ki value lagayi, aur del kya hai hamare paas, it is I into del by del x plus j into del by del y plus k into del by del z, aur saath mein kya hai hamara phi. So ab kya karna hai humne, isko iska partial derivative kiske saath lena hai, is phi ka partial derivative with respect to x, then y aur then z ke saath. So this is equal to I into del phi by del x plus j into del phi by del y plus k into del phi by del z. So ye jo del hai ye partial derivative hai, aur ye jo del hai ye del operator hai, that is a vector differential operator. So grad phi is a vector quantity. So phi of x, y, z is a function of three independent variables, and it is the total differential and its total differential, that is denoted by d of phi, is given as below. में सो जो टोटल जो डिफरेंशियल होगा वो इस फंक्शन का कैसे देंगे हम. सो दैट इज इक्वल टू डेल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फी विथ रेस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फी विथ रेस्पेक्ट टू जेड इंटू डी जेड. सो डी फाई क्या इसकी किसके इक्वल हो जाएगा. अब जो ये टर्म है यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लगा दी है. सो ये बन जाएगा हमारे पास आई इंटू डेल phi by del x plus j into del phi by del y plus k into del phi by del z into किया हमने किसके साथ I dx plus j dy plus k dz. So जब आपस में इसको मल्टीपल करेंगे तो यही वाली जो है इक्वेशन हमारे पास वापस आ जाएगी. सो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, d phi is equal to ये टर्म क्या है, ये तो हमारे पास del of phi vector हो गया. So del of phi हो गया और साथ में क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल है, ये dr के इक्वल है. सो इसका अगर हमें मॉड है तो मॉड लेंगे तो क्या बन जाएगा, which is equal to mod of del phi into mod of dr into cos theta. So जो ये theta है ये क्या है, ये angle किसके between है, the direction of del phi into and dr. So if dr vector and del phi are in the same direction, then उस केस में क्या होगा, theta जो होगा वो zero के equal होगा. So अगर theta zero के equal होगा तो इधर से cos of zero किसके equal हो जाएगा, cos of theta किसके equal वन से बन जाएगा, वो one के equal हो जाएगा. So because cos of zero is equal to one, so यहाँ पे d phi किसके equal हो जाएगा, mod of del phi into mod of dr vector. So the value of d phi is the greatest when theta is equal to 0. So this is the property of del phi, or we can say gradient of this term, that gives its name at the gradient of phi. So next is the note, the form of gradient depends upon the coordinate system used. So means अभी तक जैसे जो हमें ये ग्रेडियंट है जैसे हम निकालते हैं किसी भी फंक्शन का, तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करें. अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स है तो उस केस में हमारे पास ये फॉर्मूला होगा, ठीक है. सिमिलरली अगर हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होंगे, मीन्स यहाँ पे रो थीटा एंड जेड होगा, तो उस केस में हमें ये लेके चलना है. इसी तरीके से अगर स्फेरिकल अगर हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होंगे, दैट इज आर थीटा एंड फी, तो उस केस में हमारे पास जो ग्रेडियंट होगा उसको हमें इस फॉर्म में लेना है. सो वेयर थीटा इज द एजीमिथल एंगल एंड फी इज द पोलर एंगल.
नेक्स्ट इज द नॉर्मल एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव. अब नॉर्मल क्या होता है कि अगर हमारे पास फी इज इक्वल टू सी, जो से ये जो हमने किया ये रिप्रेजेंट करता है एक फैमिली ऑफ सरफेसेस का, सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट सी. सो जब हम इस फी को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, जब डी फी वो कॉन्स्टेंट का डेरेवेटिव जीरो हो गया तो वो हमें आएगा जीरो के इक्वल. सो जो मगर डी फी अभी हमने अभी प्रीवियस में पढ़ा था, विच इज इक्वल टू डेल फी, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ फी इन टू डी आर वेक्टर. सो यहां से क्या हो जाएगा, जो डी फी की वैल्यू है उसको वैल्यू हमने ये जीरो पुट कर दी, तो ये पूरी टर्म किसके इक्वल आ गई, जीरो के इक्वल. सो मींस ये दो टर्म्स क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है ईच अदर. सो डी आर वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन सरफेसेस. सो दस ग्रेड फी इज द वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, कौन से सरफेस को, फी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी. सो नेक्स्ट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव. अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव या आप लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ा है, मगर स्टिल अब एक बार हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे. सो द कंपोनेंट ऑफ ग्रेड फी इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेक्टर डी वेक्टर लिया है, इज इक्वल टू द ग्रेड फी इन टू दिस टर्म, दैट इज यूनिट वेक्टर डी, एंड इज कॉल्ड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फी इन द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर. सो मीन्स हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसको बोलेंगे, कि अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट होगा, जैसे यहाँ पे कंपोनेंट लिया है डेल इन टू फी इन द डायरेक्शन ऑफ वैक्टर, कौन सा लिया हमें, डी वैक्टर. सो उस केस में क्या है, अगर वो किसके इक्वल टू आ जाए, डेल फी इन टू यूनिट वैक्टर डी, तो उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दैट फी इन द डायरेक्शन ऑफ डी वैक्टर. सो नेक्स्ट इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्फेसिस. तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्फेसिस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो एंगल होता है बिटवीन द नॉर्मल्स टू द सर्फेसिस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो अगर हमारे पास दो सर्फेसिस है, जैसे फी वन एक्स वाई जेड एंड फी टू एक्स वाई जेड, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एंगल पे, और वो जो एंगल है उसको हमने डिनोट किया है थीटा से, सो देन थीटा इज द एंगल बिटवीन डेल ऑफ फी वन एंड डेल ऑफ फी टू एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एज डेल फी वन एंड डेल फी टू आर नॉर्मल्स टू द सर्फेस. सो उस केस में जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू डेल फी वन इंटू डेल फी टू डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ डेल फी वन इंटू मॉड ऑफ डेल फी टू. सो ये हमें इन शॉर्ट हो गया, मतलब ग्रेडियंट ऑफ दिस टर्म फर्स्ट सर्फेस देन सेकेंड सर्फेस, और उनका हमें क्या लेना है, मॉडुलस लेना है. सो ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस, कुछ इसके ये थे जो हमने अभी पढ़ रहे थे ग्रेडियंट्स. सो नेक्स्ट अब हम इसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे. सो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर फी हमारे पास ये गिवन है तो हमें उसका ग्रेडियंट निकालना है. तो ग्रेडियंट ऑफ फी निकालना है, तो बहुत सिंपल है इसको निकालना. तो हमें पता है ग्रेडियंट ऑफ फी किसके इक्वल होता है, ये भी हमें डेफिनेशन पढ़ी थी, ग्रेडियंट ऑफ फी इज इक्वल टू डेल इन टू फी. सो अब यहाँ से हमने क्या करना है, डेल की वैल्यू लगानी. अब डेल हमें पता है किसके इक्वल है, आई इन टू डेल बाई डेल एक्स प्लस जे इन टू डेल बाई डेल वाई प्लस के इन टू डेल बाई डेल जेड. आप इसमें यहाँ पे आई जे के ऊपर यूनिट वेक्टर भी लगा सकते हैं. सो यहाँ पे साथ में हमारे पास सरफेस क्या दिया हुआ है, फी क्या दिया है, थ्री एक्स स्क्वेयर वाई देन माइनस वाई क्यूब इंटू जेड स्क्वेयर. सो सिंपली क्या करना है, इसको आपस में हम यहाँ पे इसको मल्टीपल देके इनका क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे. बहुत सिंपल है. सो ये आपके पास आएगा आई इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस टर्म, दैट इज थ्री एक्स स्क्वेयर वाई माइनस वाई क्यूब इंटू जेड स्क्वेयर, देन इट इज प्लस जे टाइम्स डेल बाई डेल वाई ऑफ दिस टर्म, दैट इज थ्री एक्स स्क्वेयर वाई माइनस वाई क्यूब इंटू जेड स्क्वेयर, सो प्लस के टाइम्स इंटू के टाइम्स इंटू डेल बाई डेल जेड ऑफ थ्री एक्स स्क्वेयर वाई माइनस वाई क्यूब इंटू जेड स्क्वेयर. सो अब क्या करना है, जब हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें पता है वाई वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी. सो यहाँ से हमारे पास टर्म बन जाएगा, जब एक्स के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा टू थ्री जै सिक्स एक्स वाई, और इस वाले टर्म में हमारे पास एक्स नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा. इसी तरीके से इस टर्म को हमें वाई के साथ करना है पार्शियली डेरिवेटिव, सो ये आपके पास आएगा थ्री एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे भी ये टर्म है तो ये बनेगा थ्री वाई स्क्वेयर इंटू जेड स्क्वेयर. देन लास्ट टर्म बन जाएगी आपको के, इसको जेड के साथ करना है, तो फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी, सेकेंड टर्म में आ जाएगा आपके पास माइनस टू टाइम्स वाई क्यूब इंटू जेड. सो ये हमारे पास टर्म बन गई है. अब हमने क्या करना है, ये जो ग्रेड फी है वैल्यू उसकी किस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, वन माइनस टू एंड माइनस वन पे. तो हम डायरेक्टली लिखेंगे एट
1 minus 2 and minus 1 grad फी ग्रेडियंट ऑफ फी इज इक्वल टू मीन्स एक्स वाई जेड की जगह पे आपको क्या पुट करना है, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या पुट करना है, ये वैल्यूज दैट इज 1 minus 2 and minus 1. सो ये हमारे पास बन जाएगा आई इंटू 6, एक्स की जगह पे क्या है 1, ये हो जाएगा इंटू 1, देन वाई की जगह पे क्या है माइनस 2, तो माइनस 2 साथ में प्लस ये हो जाएगा जे, देन 3x square, तो एक्स स्क्वेयर हो गया मीन्स 1 का स्क्वेयर, देन इट इज़ माइनस 3 इंटू वाई स्क्वेयर हो गया माइनस 2 का स्क्वेयर इंटू जेड स्क्वेयर दैट इज़ माइनस 1 का स्क्वेयर, देन प्लस k की टर्म आ जाएगी, सो k में हो जाएगा हमारे पास प्लस k, ये हो जाएगा माइनस 2 और y की जगह पे कितना है माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब और z की जगह पे क्या है माइनस 1 इंटू माइनस 1, सो ये हमारे पास आ गया. सो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, ये काफ़ी स्पेस ले रहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ. ये आपके पास बन जाएगा प्लस के और के में आ जाएगा आपके पास माइनस टू का क्यूब इंटू माइनस 1, ये हमारे पास टर्म आ गई. सो फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आपके पास बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 12i, देन ये अगला टर्म बन जाएगा माइनस 9j एंड अदर टर्म विल बी माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 16k. सो दिस इज द आंसर. सो बहुत सिंपल है ये सॉल्व करना. नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस दिस एट पॉइंट दिस. सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे फी हमारे पास क्या गिवन है, तो मींस ये जो सरफेस है सो वो लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 3y square प्लस 2z square इक्वल टू 6. साथ में हमारे पास क्या दिया है यूनिट वेक्टर नॉर्मल, ये भी दिया हुआ है, सो हम लिखेंगे कि दैट डेल इंटू फाइ इज़ ए नॉर्मल वेक्टर. ये हमारे पास क्या आ गया नॉर्मल वेक्टर. तो सबसे पहले हम यही इसकी वैल्यू निकालेंगे, सो दैट इज़ ये बन जाएगा हमें आई इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल बाई डेल जेड सॉरी डेल वाई प्लस के इंटू डेल बाई डेल जेड इंटू फी. फी की जगह पे यही पुट करेंगे, सो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 3y square प्लस 2z square और 6 को मैं इधर कर लेती हूँ, हो जाएगा माइनस 6. सो यहाँ से अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव अब डायरेक्टली निकाल लेते हैं. सो ये मेरे पास बन जाएगा i इंटू 2x देन प्लस j इंटू 6y देन प्लस k इंटू 4z. सो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी. सो यहाँ से हमारे पास जब ये टर्म बन गई, अब हमें इसका नॉर्मल वेक्टर निकालना है. सो नॉर्मल वेक्टर एट द पॉइंट at point 2, 0 and 1 इज, वो हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. सो दिस इज इक्वल टू, जब हम इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 into 2 into i देन प्लस 6 into 0 into j प्लस 4 into 1 into k. सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4i plus 4k. सो ये हमारे पास वैल्यू आई. सो ये टर्म आई, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 4i into plus 4k. ठीक है. सो अब हमने यूनिट वेक्टर नॉर्मल निकालना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर नॉर्मल या यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऐसे लिख देते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट दिस पॉइंट 2, 0 and 1 दिस इज़ गिवन बाय किसके इक्वल हो जाएगा, ये टर्म और इसके इसका मॉड दैट इज़ 4i plus 4k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म दैट इज़ 16 plus 16. सो इन शॉर्ट ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा रूट 2 और ये हमारे पास बन जाएगा i वेक्टर प्लस के वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 by root 2 into i plus k. सो दिस इज द आंसर. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये हमारे पास टर्म दिया हुआ है, एफ दिया है हमारे पास, फंक्शन जो भी दिया है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ये गिवन है एट द पॉइंट 1, 2 and 0 पे. सो इस केस में हम सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास क्या क्या गिवन है. हियर एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. ऑल्सो हमने क्या करना है,
अब हमें इसका जो है इस ये जो टर्म है इसका क्या निकालना है, हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स निकालना है, तो मींस इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निकालूंगी डेल एफ बाई डेल एक्स, वो किसके इक्वल आ जाएगा, वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा वाई प्लस जेड के इक्वल। देन हमारे पास निकालना है हमने डेल एफ बाई डेल वाई, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स प्लस जेड के। सो अब लास्ट टर्म हमने निकालना है डेल एफ बाई डेल जेड, सो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स प्लस वाई के। सो नाउ डेल इंटू एफ दिस इज इक्वल टू, डेल होता है हमारे पास आई इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस जे इंटू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल बाई डेल वाई प्लस के इंटू डेल बाई डेल जेड। सो इसको हमने किसके साथ मल्टीपल करना है, एफ के साथ। तो एफ क्या है हमारे पास, जो अभी हमने टर्म निकाली है दैट इज़, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, वो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली पहले एफ लिख देती हूँ, ऑफ दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एफ, तो इधर ही लिख देते हैं, ये एफ आएगा, ये भी एफ आएगा और ये एफ आएगा। ओके मैंने इसको अब डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख दिया। अब जो डेल एफ बाई डेल एक्स है ये मैंने ऑलरेडी निकाल लिए थे, सो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वाई प्लस जेड इंटू आई, देन मेरे पास आ जाएगा वाई प्लस जेड इंटू आई प्लस नेक्स्ट विल बी एक्स प्लस जेड इंटू जे वैक्टर, देन लास्ट विल बी एक्स प्लस वाई इंटू के वैक्टर। ठीक है, सो ये हमारे पास टर्म्स आ गई। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू कहाँ पे निकालनी है, 0.120 पे। सो हम लिखेंगे एट 1, 2 एंड 0, सो डेल्टा एफ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हो जाएगा 2 प्लस 0 इंटू आई, देन इट विल बी एक्स कितना है 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू जे, देन नेक्स्ट विल बी 1 प्लस 2 इंटू के वैक्टर। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2i प्लस जे एंड प्लस 3k। सो ये हमारे पास निकल गया। अब हमें निकालना है इसका, अब नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे लेट ए बी द यूनिट वेक्टर, बी ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ऑफ दिस टर्म दैट इज, इन द डायरेक्शन ऑफ, ये हमें गिवन था डायरेक्शन कौन सी में निकालना है हमें, आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। सो उस केस में क्या आ जाएगा, ए यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म्स, सो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास आएगा 1/3 इंटू आई वैक्टर प्लस 2j वैक्टर प्लस 2k वैक्टर। अब हमें निकालना है रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, सो अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज गिवन बाय डेल एफ इंटू यूनिट वेक्टर ए। सो अब हम यहाँ पे इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल एफ कितना निकाला था हमने वैल्यू, 2i प्लस j प्लस 3k वेक्टर निकाला था, और इसमें हमें क्या पुट करना है, यूनिट वेक्टर ए, वो किसके इक्वल था, 1/3 इंटू आई प्लस 2j प्लस 2k। ओके सो ये हमारे पास आ गई पूरी टर्म। अब इसको आपस में मल्टीपल कर लेते हैं, सो वही हमारा इसका आंसर होगा। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/3, देन इट विल बी 2 इंटू 1, देन इट विल बी 1 इंटू 2, देन अदर विल बी 3 इंटू 2। सो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1/3, देन इट इज़ 2 प्लस 2 प्लस 6 एंड विच इज़ इक्वल टू 10/3 विच इज़ द आंसर। सो यहाँ पे सिंपल इसको मल्टीपल किया है 2 इंटू दिस टर्म, देन 1/3 मैंने कॉमन ले लिया, फिर 2 इंटू 1 हो गया, फिर इसका और ये वाला कंपोनेंट ऐड किया, मल्टीपल किया, देन 3 से 2 को मल्टीपल कर दिया। सो इस तरीके से हमें क्या करना है, डायरेक्शनल डेरीवेटिव निकालने।
So next example is find the angle of intersection at this point of the spheres this and this. So means हमारे पास दो spheres given है और हमें क्या करना है, angle of intersection निकालना है. तो यहाँ पे जो हमें formula use होगा वो कौन सा वाला use होगा, वो ये formula use होगा, that is cos of theta is equal to nabla is equal to del phi 1 into del phi 2 divided by mod of del phi 1 and del phi 2. मॉड ऑफ डेल फी वन इंटू मॉड ऑफ डेल फी टू. सो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास टू इक्वेशन ऑफ सरफेसेस क्या है. सो द इक्वेशन ऑफ टू सरफेसेस और टू स्फीयर्स ऑफ इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर्स आर क्या क्या है हमारे पास. फर्स्ट वन इज एक को लिख लेते हैं फी वन एक्स वाई जेड एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर एंड माइनस 29 इक्वल टू ज़ीरो. अदर क्या है हमारे पास फी टू, वो किसके इक्वल है, ये हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस एट जेड माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो. सो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले डेल इंटू फी वन निकालना है. सो अब हमें वो पता ही है वो किसके इक्वल होगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस टर्म देन प्लस डेल बाई डेल वाई फी इंटू जे देन नेक्स्ट विल बी डेल बाई डेल जेड of this term, that is partial derivative of this respect to z, similarly partial derivative of phi respect to x and y, so phi 1, so take it as phi 1, first surface. Similarly हमने क्या करना है, partial del of phi 2 भी निकालना है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, del by del x, that is partial derivative of phi 2 with respect to x into I, then plus partial derivative of phi 2 with respect to y into j, then partial derivative of phi 2 with respect to z into k. So, अब हमने यही पॉइंट्स निकालने हैं और इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देना है, वहाँ से हमारी वैल्यूज आ जाएगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो यहाँ से अब पहले डेल इंटू फी वन मीन्स ग्रेडियंट निकालना है पहली टर्म का. सो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला है तो मैं डायरेक्टली ये वैल्यू लगा के इसकी वैल्यू निकाल रही हूँ. सो ये बन जाएगा टू एक्स इंटू आई देन अदर विल बी टू वाई इंटू जे देन प्लस टू जेड इंटू के. और सिमिलरली जो मेरे पास डेल इंटू फी टू होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास टू एक्स प्लस फोर इंटू यूनिट वेक्टर आई देन प्लस टू वाई माइनस सिक्स इंटू जे प्लस टू जेड माइनस एट इंटू के. सो अब हमें पॉइंट भी दिया हुआ है. सो एट पॉइंट, पॉइंट कितना है हमारे पास, फोर माइनस थ्री एंड टू वी हैव, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इस इक्वेशन में, नेम इट एज इक्वेशन नंबर वन. सो वी हैव यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डेल ऑफ फी वन जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आएगा हमारे पास एट आई, फिर सिमिलरली नेक्स्ट टर्म विल बी सिक्स जे प्लस फोर के. और हमारे पास जो डेल ऑफ फी टू होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, ट्वेल्व आई देन माइनस ट्वेल्व जे देन माइनस फोर के. सो ये दोनों टर्म्स आ गए. अब हमें एंगल निकालना है. सो हम लिखेंगे लेट थीटा बी द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, बी द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, बी द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स, बिटवीन टू स्फीयर्स. तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा हमारे पास कॉस ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, डेल फी वन इंटू डेल फी टू. अब डेल फी वन कितना निकाला हमने, एट आई माइनस सिक्स जे प्लस फोर के इंटू डॉट प्रोडक्ट लेना है इसका, देन ट्वेल्व आई माइनस ट्वेल्व जे माइनस फोर के. और साथ में क्या होगा, स्क्वेयर रूट दैट इज मॉडुलस ऑफ दिस क्वांटिटी, दैट इज मॉड ऑफ दिस, वो डायरेक्टली मैं ऐसे लिख देती हूँ स्क्वेयर रूट में, ये हो जाएगा एट का स्क्वेयर विच इज इक्वल टू सिक्सटी फोर, देन ये हो जाएगा प्लस सिक्स का स्क्वेयर दैट विल बी थर्टी सिक्स एंड फोर का स्क्वेयर दैट विल बी सिक्सटीन. सिमिलरली यहाँ से हो जाएगा 12 का स्क्वायर दैट इज़ 144, देन अगेन 12 का स्क्वायर दैट इज़ 144 प्लस
फोर का स्क्वायर दैट इज़ 16। सो आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी रूट 19/29। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू रूट 19/29। यही मैंने डायरेक्टली लिखा, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ से थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस इनवर्स ऑफ रूट 19/29। सो विच इज़ द आंसर। सो थैंक यू।